18 जुलाई नजदीक है तो कहा जा रहा है कि 18 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके हाथों में हथकड़ी दिख जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि सत्य की जीत होगी और असत्य हार जाएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़े झूठ ब्रजभूषण शरण सिंह के देखे जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर अलका लांबा ने तमाम सवाल खड़े कर दिए और देश के प्रधानमंत्री को जमकर घेरा, सबूत पेश कर दिए, एक एक मुद्दे पर बात कर दी। आप पहले अलका लांबा को सुनिए कि आखिर क्या कुछ कहती हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। जय हिंद साथियों। साथियों, आज भाजपा के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुखिया ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में साफ दिल्ली पुलिस कहती है कि भाजपा के इस सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला, छेड़छाड़ का मामला और पीछा करने का मामला बनता है। इन पे केस दर्ज होना चाहिए और उन्हें सजा भी होनी चाहिए। यह दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में साफ है। आपको याद होगा, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, हमारी ये जो पहलवान बेटियां विश्व में भारत का नाम रोशन करके आई, इन्होंने ये आरोप भाजपा के सांसद पर लगाए। पहली बार जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आई, मामले को रफा दफा कर दिया गया, एक कमेटी बना दी गई, बोला फैसला हो जाएगा, न्याय होगा। 3 महीने तक जब कोई न्याय नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ, सारी जांच के नाम पर चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तो हमारी पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लेकर एक बार फिर दिल्ली, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचती है। उसके बाद दबाव बनता है कि FIR दर्ज हो, ब्रजभूषण शरण को पार्टी से निकाला जाए, भाजपा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद से हटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रुख करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट आदेश करती है कि आरोप गंभीर हैं, इसलिए भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पे FIR होनी चाहिए और FIR तब होती है। उसके बाद साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इन सबको, इवन पोक्सो के जो है तहत का भी आरोप लगे, एक नाबालिग हमारी जो रेसलर बेटी है उसने आरोप लगाए, लेकिन मालूम नहीं किन्हीं कारणों से, दबाव से वो वापस ले लिया गया। आरोपी जो है ब्रजभूषण यहां तक कहता रहा कि पोक्सो कानून का दुरुपयोग है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। आप समझ रहे हैं। और आज दिल्ली पुलिस चार्जशीट में ये मान रही है कि उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत जानकारियां आई हैं जिसमें भाजपा का ये सांसद जो उत्पीड़न में दोषी जो है आरोपी पाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं देश की महिला बाल विकास मंत्री, दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट के बाद स्मृति ईरानी, सिली सोल कब तक चुप रहेंगे, कब तक अपने इस जो है सांसद का आप संरक्षण करते रहेंगे? जेपी नड्डा जी, कब आप अपने इस सांसद को पार्टी से निकालेंगे? कब बेटियों के साथ इस देश में न्याय होगा? लाल किले से खोखले भाषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सच्चाई ये है कि भाजपा के इस 9 साल के शासनकाल में ये नारे मात्र जुमले साबित हुए और बेटियों को भाजपा के नेताओं से ही बचाना, उन्हें न्याय दिलाना अपने आप में एक जो है सबसे मुश्किल जो है वो होता चला जा रहा है। लाखों बेटियां, करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रही हैं, जब देख रही थी कि विश्व में। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से बारीकी से जो है अलका लांबा ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि चाहे अलका लांबा की बात कर लो, चाहे पवन खेड़ा की बात कर लो, सुप्रिया श्रीनेत की बात कर लो, किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता की बात कर लो, उन पर विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है कांग्रेस पार्टी का कराया धराया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा था कि रेसलर्स ने जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के पीछे किसानों का हाथ है, यानी कि किसानों के जीवित किया गया ये प्रोटेस्ट है। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर, जी आप सही सुन रहे हैं, अलका लांबा और तमाम विपक्ष की पार्टियों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि साक्षी मलिक ने जो प्रोटेस्ट रचाया है ये कांग्रेस जीवी प्रोटेस्ट था। तभी कहा गया कि ये सारा जो आंदोलन है वो एक जो है राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। लेकिन अलका लांबा की जो बातें आपने सुनी, क्या आप इससे सहमत हैं? और 18 जुलाई नजदीक है, देखना यह पड़ेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या सच में गिरफ्तार हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स।